अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है। आइए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों आज हम बनाएंगे बलोची टिक्का कढ़ाई। बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है और उसमें 250 ग्राम घी डालेंगे। हमारा ऑयल फुल गर्म हो चुका हुआ है, उसमें 1 kg के करीब चिकन शामिल करेंगे। अब हम चिकन को 3 से 4 मिनट घी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हाफ चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे। अब पानी शामिल करेंगे इसमें। अब हम गोश्त को तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। हमारे गोश्त को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें डालेंगे। अब 250 ग्राम के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेगा। अब हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में से घी को बाहर निकाल लेंगे। हमने अपने गोश्त में से तेल को बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं जो तेल हमने बाहर निकाला। कढ़ाई के नीचे हल्की आंच चला लेंगे। हम इसमें 25 ग्राम के करीब कढ़ाई मसाला डालेंगे। बीस ग्राम के करीब चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच लेमन के डालेंगे जूस के। अब कटा हुआ सब्ज धनिया डालेंगे। दोस्तों हमारी बलोची खुशक टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अपना और अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।